अगर कोई भी छोटी मोटी दिक्कत आती है आपके खेत में जाकर इसकी सर्विस देंगे। किसान भाइयों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल पे। आज हम आए हुए हैं पंजाब चीमा मंडी में और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं रीपर रखे हुए हैं। ये है जगत जीत ग्रुप और यहाँ पर जो रीपर रखे गए हैं ये काफ़ी बेहतर क्वालिटी के हैं। अभी आप लोगों को पता है गेहूं कटाई का सीज़न आ चुका है और इस गेहूं की कटाई के सीज़न में जहां पर मज़दूरों की कमी है या आप लोग अपने गेहूं की कटाई करना चाहते हैं या किराए पे गेहूं की कटाई करना चाहते हैं तो आप लोगों को एक ऐसा रीपर चाहिए होता है, बाइंडर चाहिए होता है जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से और लंबे समय तक गेहूं की कटाई कर सके। तो आज हम जानने वाले हैं इस रीपर बाइंडर के बारे में कि यह क्या है, कैसे है और किस तरीके से आप लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। नमस्कार भैया, आपका स्वागत है स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल पे। एक छोटा सा परिचय किसान भाइयों को दीजिएगा। मैं जगजीत ग्रुप की तरफ से यहाँ पर मार्केटिंग का जो काम है वो देखता हूँ जी। तो आपका स्वागत है हमारे जगजीत ग्रुप में और आपका धन्यवाद कि आप लोगों तक जो हमारी बात और हमारा प्रोडक्ट जो पहुँचा रहे हैं। ये जो रीपर बाइंडर है इसके बारे में हम विशेषता जानना चाहते हैं ताकि जो हमारे किसान भाई प्रयोग करने जा रहे हैं वो जान सके कि ये परफेक्ट उनके लिए कैसे रहेगा। अगर मैं जगजीत ग्रुप की बात करूं तो पिछले 40 साल से जगजीत ग्रुप किसानों की सेवा में है और बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट और उच्च क्वालिटी के प्रोडक्ट वो किसानों को दे रहा है। और अगर इस रीपर बाइंडर की बात करूं तो बेस्ट क्वालिटी का रीपर बाइंडर है और इसमें सबसे ख़ास बात ये है कि रीपर बाइंडर के जो रीपर तो पंजाब में बहुत से बनते हैं जी, लेकिन ये बाइंडर रीपर कम बाइंडर है जिस जो कि फसल को काटने के साथ साथ उसके बंडल भी बनाता है जी। जो ये बंडल बनाने का सिस्टम है और इसमें जो ये बाइंडर और बाइंडर कोन है जी, और ये नोटर है ये इम्पोर्टेड है, ये टर्की की टेक्नोलॉजी का है क्योंकि जो यहाँ पर रीपर बाइंडर बनते हैं उसमें या जो भी लगता है ये यहाँ का मैन्युफैक्चरिंग देसी जुगाड़ से बनकर लगता है तो उसमें ये बंडल बांधने वाले में सिस्टम में दिक्कत आती है। हमारा ये इम्पोर्टेड है, टर्की की टेक्नोलॉजी का है तो इसमें जो कटाई के बाद सिस्टम बांधा जाता है, जो पुलिया बांधी जाती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, इसीलिए ये किसान के साथ लॉन्ग टाइम ये चलेगा जी। तो ये जो रस्सी यहाँ पर लगती है ये कौन सी रस्सी लगाई जाती है जिससे ये जो है परफेक्ट काम करे? इसमें नायलॉन की रस्सी लगती है ये वाली। अगर जब हम स्टार्टिंग में इससे काम करते हैं तो 10-15 बंडल रस्सी के रूप के या मान लो 15-20 एकड़ की कटाई के बाद इसमें हम नॉर्मल रस्सी भी जो हमारी जो सुतली बोल देते हैं जिसको वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर बेस्ट परफॉर्मेंस फार्मर ने लेनी है तो अगर ये नायलॉन की रस्सी ही इसमें यूज़ की जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं आती, तो ये जल्दी ख़राब नहीं होता। अब हम बात करना चाहेंगे इसके ब्लेड के बारे में कि इसकी ब्लेड की जो संख्या है ये कितनी है? इसका जो मेन कटर है इसकी जो विड्थ है, वर्किंग विड्थ है वो 7.5 फीट की है जी, जो कि सबसे ज़्यादा है। तो 7.5 फीट का इसका कटर है, इसमें 15.5 जो फिंगर लगी हैं और 30 ब्लेड इसमें काम करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब हम गेहूं की कटाई कर रहे होते हैं तो हमारी जो ब्लेड है ये टूट जाती है, तो अगर ऐसी परिस्थिति में हमारी ब्लेड टूटती है तो क्या सिर्फ एक एक करके ब्लेड बदल सकते हैं कि जो टूटी है सिर्फ वही बदला जाए या पूरा बदलना नहीं पड़ेगा? नहीं, इसमें एक एक ब्लेड आप बदल सकते हो। कई बार क्या होता है जब कटाई होती है तो बीच में ऐसे पत्थर वगैरह जो लग कर ब्लेड टूट भी जाता है, तो कोई इसमें आप सिंगल ब्लेड भी इसमें स्ट्रिप में वो लगा सकते हो जी। तो यहाँ पर आप लोग जान चुके हैं इसके ब्लेड के बारे में और अगर टूट फूट होती है तो उसे किस तरीके से आप लोग सही कर सकते हैं। भैया, ये जो बेल्ट है इसकी लगी हुई इसकी क्वालिटी के बारे में बताइए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर क्वालिटी सही ना रहे तो ये बेल्ट टूट जाती है अक्सर काम करने के दौरान। इसमें ये 3 बेल्ट लगी हुई है, नाइलॉन की 3 प्लाई का बेल्ट है और इसकी जो लेंथ है वो लगभग 11 फीट है जी। तो ये बेस्ट क्वालिटी का हम बेल्ट यूज़ करते हैं ताकि जो फसल है वो आसानी से आगे जा सके जी इसमें। तो यहाँ पर जो बेल्ट है इसको तो हम देखे हैं कि इसकी मोटाई भी काफ़ी अच्छी है और इसमें जो लेयर हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा डाले गए हैं जिसकी वजह से अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो बेल्ट है ये काफ़ी बेहतर है। अगर आप लोग लंबे समय तक कटाई करते हैं तो वहाँ पर टूट फूट की जो समस्या है यह देखने को नहीं मिलती है। अब हम पीछे की तरफ भैया बात करना चाहेंगे कि यहाँ पर जो सिस्टम दिया गया गियर बॉक्स, ये गियर बॉक्स के बारे में किसान भाइयों को बताइएगा। इसकी मैं आपको पूरी ये बताता हूँ कि ये गियर बॉक्स है जो जगजीत का इन हाउस गियर बॉक्स है, यहाँ पर ही हम बनाते हैं और इसमें जो बेयरिंग और सील की जो हम इसमें डालते हैं वो
वो बहुत ही हाई क्वालिटी का डालते हैं और सिलिकॉन की जो सारी सील है ताकि वो हाई टेम्परेचर में भी काम सके। क्योंकि जो सिलिकॉन की सील्स होती हैं अगर उसको हम 200-300 डिग्री 200-250 डिग्री पर भी काम करें तो वो उसको कोई दिक्कत नहीं आती। तो जो सील्स हैं इस किसी लीकेज की कोई दिक्कत नहीं है और बेयरिंग वगैरह उच्च क्वालिटी का और इन्वेस्टमेंट कास्टिंग इसमें यूज़ की गई है ताकि ये गेयर है जो पूरा सिस्टम है किसान के साथ लॉन्ग टाइम पे दे। और अगर इसकी मैं बात करूँ तो ये आप चैनर देख रहे हो, ये पूरा सिस्टम इसका जो ढांचा है ये मार्केट में क्या है रीपर की कॉस्ट कटिंग की वजह से क्या है इसको एंगल में यूज़ किया जाता है जी। लेकिन जगतजीत जो क्वालिटी और टेक्निक के साथ इसको लेकर आया है ये इसके पूरे शीट में से कट कर इसमें बैंड डालकर बनाया गया है ताकि ये फ्रेम यहाँ पर अगर एंगल लगी होगी उस पर वेल्डिंग की होगी वो तो जल्दी टूट जाएगा। लेकिन ये पूरा शीट में से कट कर लगाया गया है और साथ ही ये जो आप फ्रेम देख रहे हैं जो अटैचमेंट होगी जी। ये भी आम मार्केट में क्या है एंगल पे वेल्डिंग करके बनाया था लेकिन हमने ये इसको पूरी शीट में से 8 mm की शीट से कट कर बनाया है बैंड डालकर और ये इसमें वेल्डिंग लेस काम किया गया है ताकि जो ये किसान के साथ लॉन्ग टाइम चल सके कहीं से टूटे ना और किसान के साथ लंबा समय काम करता रहे। ये भैया जो चेन यहाँ पर लगे हुए हैं गियर में इसकी जो क्वालिटी है ये जरा ये हाई क्वालिटी का डायमंड का हम चेन यूज़ करते हैं इसमें NBC के बेयरिंग यूज़ करते हैं पूरा उच्च क्वालिटी का काम किया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर इसकी बाइंडर की जी तो यहाँ पर फसल का जो पुलिया है वो बांधती है बंडल यहाँ पर बांधा जाता है। ये स्प्रिंग दिया है बंडल की एडजस्टमेंट के लिए इसको हम बंडल के साइज है वो कम और ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन अगर हम इसको नॉर्मल साइज पे यूज़ करेंगे तो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बेस्ट रहेगी क्योंकि अगर बंडल कम करते हैं तो रस्सी का ज़्यादा खर्चा होगा और टाइट बांधने में मुश्किल आएगी और अगर ज़्यादा बड़ा करते हैं तो फंसने का भी दिक्कत रहती है। इसको नॉर्मल साइज पे आप यूज़ करके चलाएँ तो ये बेस्ट परफॉर्मेंस देगा। और मैं एक और बात बताता हूँ जो मार्केट में रीपर बाइंडर चलते हैं जो ये इसको फॉर्क बोला जाता है वैसे इसको किसान भाई हाथ भी बोल देते हैं देसी लैंग्वेज में लेकिन ये फॉर्क होता है। इसको भी ये देखिए आप एक शीट में से कट कर बैंड डालकर बनाया गया है ताकि इसमें मिनिमम वेल्डिंग हो। अगर इसमें वेल्डिंग ज़्यादा रहेगी अगर इस पर एंगल यूज़ की जाएगी तो ये टूट जाएगा तो इसको मिनिमम वेल्डिंग के साथ एक पूरी शीट से कट करके बनाया गया है और इस पर जो ये लगाया गया है ताकि ये फसल को इकट्ठा करने में यहाँ कर अच्छे तरह सक्षम हो और इसमें कम से कम ब्रेकेज हो जी। ये नो ब्रेकेज के साथ हमने बनाया है इसको। तो एक हिसाब से देखा जाए तो एक किसान को जितनी समस्याएं आती हैं रीपर बाइंडर चलाने के समय में उन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इसको डिजाइन ऐसे किया गया है कि लंबे समय तक काम कर सके और इसकी जो क्वालिटी है ये भी काफ़ी बेहतर रखी गई है। इसको मैं और बताता हूँ इसको क्वालिटी का ध्यान रखते हुए उसको साथ में इसकी लुक है उसको भी ध्यान में रखा गया है क्योंकि जो ये इसके साइड के कवर डिज़ाइन है ये भी यूनिक डिज़ाइन है ताकि ये क्वालिटी के साथ साथ दिखने में भी सुंदर लगे। और ये जो ये नाइलॉन के यूज़ किए गए हैं सारे स्टार ये नाइलॉन के यूज़ किए गए हैं ताकि ये पत्थर वगैरह लगने से जल्दी से ना टूटे। और इसकी जो टाइन है ये भी मार्केट से बढ़िया ज़्यादा हैवी यूज़ की गई है क्योंकि आम मार्केट में 2.5 mm की यूज़ होती है हम 3-4 mm की इसको यूज़ करते हैं। ये जो रीपर है कितने कलर में मौजूद है? ये हमारा 2 कलर में मौजूद है ग्रीन और रेड क्योंकि ज़्यादातर जो रेड ट्रैक्टर रहते हैं और ज़्यादा ग्रीन ट्रैक्टर रहते हैं तो अपने ट्रैक्टर के हिसाब से क्योंकि उसके ट्रैक्टर से साथ मैच होना है तो उसके हिसाब से फार्मर इसको खरीद सकते हैं। अब हम बात करना चाहते हैं इसकी सर्विस को लेकर के जैसे कोई भी किसान भाई जब इसकी खरीदारी करते हैं तो इसको सेट कैसे करना है कई बार होता है कि ऑपरेट करने में समस्याएं आती हैं तो वो सर्विस का क्या सिस्टम है आपके? सर्विस का जो इसकी अटैचमेंट किट होती है साथ में वो हम इसको साथ ही देते हैं और हमारे डीलर भाई हमारे पूरे इंडिया में हमारे डीलर्स हैं तो डीलर भाई इसको ट्रैक्टर के साथ अटैच करके देते हैं तो डीलर पे इसकी अटैचमेंट हो जाएगी। और अगर मैं सर्विस की बात करूं तो जगतजीत अकेली ऐसी कंपनी है जो रीपर बाइंडर की खेत में सर्विस देती है। रीपर बाइंडर की सर्विस आपको आपके खेत में मिलेगी अगर कोई भी छोटी मोटी दिक्कत आती है तो एक सीज़न की इसकी सर्विस रहती है तो एक सीज़न में आपको हम आपके खेत में जाकर इसकी सर्विस देंगे। मतलब ये है कि अगर आप लोग जहाँ पर चला रहे हैं अगर कोई भी समस्या आ गई एक सीज़न के लिए तो आप जस्ट कॉल करके वहाँ पर सर्विस बड़े ही आराम से पा सकते हैं। हमारे किसान भाई इसके बारे में जानकारी लिए हैं लेकिन वो संपर्क करना चाहते हैं इसको खरीदने के लिए तो संपर्क नंबर क्या रहेगा? और ये रीपर बाइंडर है वो सब्सिडी के लिए भी अप्रूव्ड है। अगर आपके एरिया में आपके स्टेट में सब्सिडी है तो हमारा रीपर बाइंडर है वो टेस्टिंग पे पास है
इस पर सब्सिडी आपको मिलेगी। सब्सिडी आपकी गवर्नमेंट के जो टर्म एंड कंडीशन रहती है उस पर रहती है। हमारे ऑल इंडिया में डीलर्स हैं, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9100037000 91,037,000 पर कॉल कर आप अपने नज़दीकी डीलर का नंबर ले सकते हैं, तो वहां से आपको इस रीपर बाइंडर की पूरी जानकारी मिलेगी और जो भी इसका प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट है, वो हमारे डीलर आपको करके देंगे। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, अगर आप लोग गेहूं कटाई के लिए आप इसको प्रयोग करना चाहते हैं या इसके बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं, तो यहाँ पर जो दिया गया नंबर है इस पर आप लोग संपर्क करके इस रीपर बाइंडर के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप लोगों को रीपर बाइंडर से संबंधित और भी कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप लोग हमें बता सकते हैं, हम उसके लिए भी वीडियो लेकर के आने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी मिलते हैं हम आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान, जय किसान।